दीवान हमेशा सर दीवान अभी पीछे रहता है, गिरफ्तार करेंगे, गिरफ्तार करेंगे, दीवान को बुला के ले जाएंगे। दीवान आप बर्दाश्त नहीं है मुझसे, कृपाल को बहुत जल्द पकड़िए, बहुत विलंब हो गया है, एक टांग को तुम लोग पकड़ नहीं सकते हो। सर अगर आपकी वालों ने हमें चैलेंज किया है सरदार जी, हजार माल मिल गए और मिटा ले सभी आज। हाँ मिटा ले सभी आज मुझको भी है अच्छा मौका मिला, आज देखूंगा तू और कितना होशियार है पुलिस की आज ये बोलिया राइफल से चला के हुए बोलिया खुद तो इन कबीलों को जाने करो की लापरवाही है। कोई लापरवाही नहीं है दीवान जी, तुम्हारी लापरवाही नहीं हमारी लापरवाही। आंखों के सामने डाकुओं का गिरोह जा रहा।
कहीं सुराख नहीं मिल रहा था तुझे। क्या कहीं सिद्धा सुराख नहीं मिल रहा है? हाँ हाँ वही कह रहे, कहीं सुराख नहीं मिल रहा। हेलो हेलो, ये आप है किरण? क्या बात है? मैंने तुझे समझा करके हार दिया, और मैं आज तुझसे फिर कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो बताओ? और सुनो बात को गौर से, अब बात को गौर से अब हमारी, सुनो बात को गौर से अब हमारी, और बनो तुम यहाँ पर दुल्हनिया। हमारी बनकर रहोगी, हमारी तेरी बाती का कुछ गवाया नहीं है। तेरी बाती का कुछ अभी गवाया नहीं है, मानने वाली की रहिए। लाठी कोशित कर ले मगर ये दिल हासिल कर सकता नहीं, लाठी कोशित कर ले तू ये दिल हर सकता नहीं। अरे मैं वो किरण हूँ जो झुक गई, तुम्हारी बात नहीं मानूंगी किरण। ताकि मैं एक तवायफ हूँ, अगर इस तरह दिल लगाती रहूं तो मेरा धंधा चौपट हो जाएगा। और तुझको समझा कि अब मैं क्या हार हूं, तुझको समझा। कोठे की औरत सुहागन ना बनती, चाहे जितना कोशिश तू कर ले। हेलो हेलो, क्या है? अरे कहे मरलो हो, अरे कहे मरलो नयनवा के पान गोरिया कहे। हेलो हेलो, ये आ गए जीवनिया के लल्लू भैया, उनकी तरफ से 100 रुपए का चंदा, 10 रुपए के नाम एक पहना है प्यार चपक के करो धन्यवाद। यार
बार उठ चपक के करो साहब इस लपक झपक कर खुश होकर 50 रुपए का इनाम पाल्टी शुक्रिया। किरण ऐसे नहीं मानेगी तू? मैं कभी नहीं मानूंगी, कभी नहीं, कभी नहीं। अच्छा लगता है सीधी उंगली से नहीं निकलेगा। मैं वो किरण हूँ कि तेरी बातों में पिघल नहीं सकती। हो गया, गजब हो गया। क्या बात है गंगा सिंह? सरदार जी, हमारे जो साथी हैं अपनी फुल तैयारी कर रखा है। आज सेठ मनोहर लाल के यहां डाका हमें डालना है। गंगा सिंह, मैं ये बात को भूल गया था, अच्छा हुआ तुमने मुझे याद दिला दिया। बताओ गंगा सिंह, कहो आओ हम लोग डाका डालने के लिए चलते हैं। हाँ सरदार जी, जब आप ग्रोह में नहीं रहेंगे तो ये गंगा सिंह डाकू अकेला डाका नहीं डालेगा, क्योंकि मैं तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा नाज रखता हूँ। ग्रोह का सरदार नहीं वो ग्रोह बेकार है, उनको रहना जरूरी है। सिंह, मैं डाका डालने के लिए तैयार। चलिए गंगा सिंह, तुम यही ठहरोगे? मैं यहां रहूंगा। हाँ गंगा सिंह, और डाका क्योंकि तुम हमारे एक विश्वसनीय आदमी हो, आप जानते हो ये। आज मैं तुम्हें एक कार्यभार सौंप कर जा रहा हूं। सरदार जी, हमें आप यहां छोड़ रहे हैं? हाँ गंगा सिंह, किरण की हिफाजत के लिए। हाँ गंगा सिंह। लेकिन सरदार जी, तुमको मालूम होना चाहिए अगर डाका डालते समय काश अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा ग्रोह सब बर्बाद। गंगा सिंह, कृपाल सिंह का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, और तुम आज से किरण की देखरेख में रहोगे जब तक मैं ना आ जाऊं। जैसा आपका हुक्म सरदार। कमाल सिंह, मैं जा रहा हूं। जय भारत। हेलो हेलो हेलो, तुम्हारी देखरेख के लिए हमारे सरदार कृपाल सिंह ने गंगा सिंह को सौंपा है। मैं तुम्हारे पास रहूंगा। अरे विमान चौकीदार, देखो ध्यान से सुनो मेरी बात को। मैंने कुछ दिन पहले एक शामू नाम का कैदी जेल में डाला था, जो उसे ले आओ उसकी सजा पूरी हो गई है, उसे बाइज्जत रिहा किया जाए। ये आगे ज्वाला प्रसाद यादव ज्योति। अरे श्यामू, आज बेटा तुम्हारी सजा पूरी हो गई है और तुम अच्छे कर्म करना, कोई गलत काम नहीं करना और जाकर के अपनी अच्छी जिंदगी बिताओ। तुम्हारी सजा पूरी हो गई है, आज तुम्हारी रिहाई होती है। साहब, एक मेरी गुजारिश सुन लीजिए। साहब जरूर सुनेंगे, जरूर सुनेंगे, बताइए। साहब इस संसार में मेरा अब कोई नहीं है। क्या कहा? इस संसार में मेरा कोई नहीं है। और मैं जाऊंगा तो कहां जाऊं, इसलिए साहब मुझे मत छोड़िए। अच्छा, मैं इसी जेल में पड़ा रहूंगा, अपना जीवन व्यतीत करूंगा। इस
संसार में कोई नहीं है। कि जितने कैदी पकड़ कर आते हैं हाँ, वो यही कहते हैं कि सर हमारी रिहाई कब होगी, हमारी रिहाई कब होगी। हमने भी जेल में पहली बार ऐसा इंसान देखा है कि जो अपनी रिहाई नहीं चाहता है, बल्कि कहता है कि सर मुझे जेल में ही रहने दो। देखो दीवान, वो इंसान जिंदा रहना नहीं चाहता है जिसके ऊपर मुसीबत होती है और उसका कोई संसार में रहता नहीं है, ये जीवन से उब गया है, इसलिए इसे धीरे बंधाओ। सामने बेटा इधर आओ, देखो जो लिखा होता है वो होके रहता है, और हिम्मत मत हारो, अब कोई बुरे काम तुम नहीं करना, जाओ घर और इंसान रहेगा तो घर बन जाएगा और परिवार हो जाएगा, शादी होगी, क्या होगा, संतान होंगे, घबराओ नहीं बेटा, जाओ हिम्मत से काम लो। बात ख्याल रखना, अब दोबारा कोई बुरे कर्म नहीं करना, ठीक है? नहीं साहब, और मैं अब कोई भी ऐसा कार्य नहीं करूंगा हाँ, जिसकी वजह से मुझे फिर इन सलाखों में आना पड़े। हाँ बेटा यही ध्यान रखना, मैं यहाँ से जाकर एक साधारण मनुष्य की जीवन व्यतीत करूंगा। अब केवल तुम्हें अपने बारे में सोचना है, जो हो गया सो हो गया, जो गया गया, अब अपने भविष्य के लिए देखिए क्या करना है, ठीक है? तुम्हारी पुष्प कितनी अधूरी है, कहाँ चले गए, तुमके साथ ना फिर आऊंगा। दीवाना के क्यों बिगाड़ा रे, बिगाड़ा रे नसीबा, ऊपर वाले ऊपर वाले, वाले। क्या रे और दिल डाल गई है दरिया रे, और दिल डाल गई है फिर जानी आई है, कि अब जा 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 भुला जई हा, अब जा 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 भुला जई हा, क्या काफो दिल लाल गई हा, ओ दिल लाल गई हा, फिर जाई
से ठाकुर सेमुआ की जेल से रिहाई है। हाँ ठाकुर, आज सेमुआ की रिहाई है और चला शाले को आज रास्ते में ही उसके मौत के घाट। आज सेमुआ बहुत ठाकुर का अपमान किया है, आज सारे अपमान का बदला ना लिया तो ठाकुर खानदान में पैदा नहीं हुआ। आओ शमू, अगर तुझे मौत के घाट न उतारा तो हमारा नाम ठाकुर। हेलो हेलो हेलो, बुधराम सरोज प्यारे पुष्पा, क्या हुआ प्यारे? आज तुम्हारा चेहरा इतना मुरझाया हुआ। तुम्हें मेरी कसम है प्यारे, क्योंकि ये चेहरा हमेशा मैं मुस्कुराते देखना चाहती हूँ। आखिर क्या बात है, और तुम्हारी तुम्हारी तन में ये निवास, इसका क्या मतलब है? क्या बताऊं पुष्पा, ये मेरे ऊपर एक गम का पहाड़ टूटा, मेरा सारा चमन उजड़ गया पुष्पा। लेकिन वो कैसे? जिसके जिम्मेदार मेरा चमन उजाड़ने वाले पुष्पा कोई दूसरे नहीं, बल्कि पुष्पा आप मेरी बातों पर यकीन नहीं करेंगे। क्यों? अरे अब भी भरोसा नहीं है? अरे मैंने सात जिले मरने की कसमें खाई है, और देखो कुछ देर पहले जब तक तुम्हें नहीं देखा था मुझे कितनी बेचैनी थी। अरे तुम्हें अब भी नहीं भरोसा? क्या मैं अपनी जान दे दूँ भरोसा होगा प्यारी? तुम सिर्फ इशारा करो उस कमीने का नाम बताओ, मैं उसका खून पी जाऊंगी। तो सुनो पुत्र, मेरा चमन उजाड़ने वाले कोई दूसरे नहीं बल्कि आपके पिता बलबीर सिंह, आपके पिता बलबीर सिंह और उनके मित्र चरण सिंह। नहीं प्यारे, मेरी दुनिया उजाड़ कर रख दिया पुष्पा। नहीं प्यारे, यहाँ तक कि ये कर दो ये इतना ही नहीं, इतना ही नहीं प्यारे, ये खून का इल्जाम मेरे सर पे रखकर मुझे जेल की सलाखों में डलवा।
आज मैं गर्दन की ठोकरें खा रहा हूँ। सच कहते हो, लेकिन जाऊ तो कहाँ जाऊ प्यारे? तुम सच कहते हो कि तुम्हें बर्बाद करने वाला कोई और नहीं मेरे बाप। दिल बीते बहुत कुछ सीख लिया जीने की मुझे अब सकल परिवार मिले जहां दोनों दिल का मालो जल दिल होगा कभी अगर ये बात है कि मेरे पिता ने आपके चमन में आग लगाया है और आपके चमन को मिटा कर खाक कर दिया है तो इस समय सारा तुम्हारा कोई नहीं, इस जमाने को दिखा दूंगी कि प्यार क्या होता है। अगर ऐसी बात है तो मैं आज अपने प्यार की कसम खा के कहती हूं कि मैं आज के बाद अपने घर नहीं जाऊंगी और मर गया मेरा पिता आज के बाद मैं अनाथ हो गई जीऊंगी तो मैं तुम्हारे नाम से और मरूंगी तो तुम्हारे नाम से लेकिन मैं घर नहीं जाऊंगी। लेकिन पुष्पा अब हम चले तो कहां चले प्यारे? ये प्यार है जहां ले जाएगा वहां चलेंगे। तुम चिंता क्यों करते हो प्यारे? लेकिन हम तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे प्यारे। बोलो और प्यारी हमारा अमर रहेगा याद करेगा हेलो।
वाह पिताजी वाह, अपना गम गम दूसरों का गम कहानी, अपना गम गम दूसरों का गम कहानी, और अपना खून खून दूसरों का खून पानी। तो हमको कहाँ सिखाना चाहती है पिताजी? यही दिन देखने के लिए तुझे पाल पोस कर सहना किया था मैं। पिताजी मैंने प्यार किया है, कोई चोरी नहीं की। प्यार किया है? हाँ करा दूं। और जब प्यारी किया तो देना क्या था? अरे पुष्पा सस्ता, अरे कमीनी इस कदर निकली तो थे। और तुझे न आई लाज, करो करो टमाटर लड़वा। और तुझे न आई लाज ना और बल भी इनके सुतान लगनी मेरी। बड़े ठाकुर पिताजी और चाचा जी,